तो गाइस हम काल भैरव जा रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। आज काल भैरव बाबा का जन्मदिन है, जहाँ पे बाबा को दारू चढ़ती है प्रसाद के रूप में। तो ये आनंद है, मेरा जिगरी दोस्त, इसके साथ में जा रहा हूँ। पर पर हमारे पास में गाड़ी नहीं है, तो हम ई रिक्शा से जाएंगे। अब यहाँ से हर्षद भी आ गए, हर्षद जी चौराहे पे, शेर चौराहे पे आए हुए। आनंद तुम करो गाइस, तो हम इधर जा रहे हैं, ये महाकाल मंदिर जाने का रास्ता है सामने। और यहाँ पे सुबह हमारी दुकान लगती है, यहाँ पे यहाँ सामने लगती पुलिस चौकी के यहाँ पे। पर अभी ये सामने हर्षद जी मंदिर है, वहाँ सामने। अभी ऑटो रिक्शा वाले भैया से अभी है, सॉरी किराया ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा हम तो कम लेते हैं, पर ये ज्यादा लेने लगते हैं। वाह क्या सीन है। ये मेरा आनंद भाई और हम दोनों आ गए। अब काल भैरव जा रहे पहले, है ना आनंद भाई? काल भैरव के बाद विक्रांत सरकार जाएंगे। अभी हमारी दुकान आएगी, आपको बताना। इधर ये दारू की दुकान है बाबा बाबा के लिए सामने बनी हुई, मदिरा की दुकान। और इधर ये फूल प्रसाद की दुकान है, हमारे भी दुकान है। हाँ, ये सामने काल भैरव बाबा का मंदिर है। गाइस हमने काल भैरव मंदिर का दर्शन तो नहीं करा क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही है, विक्रांत सरकार जाने वाले, यहाँ पे लाइन बहुत लगी हुई है। दूसरे दिन दर्शन कर लेंगे काल भैरव बाबा के। हमारा दोस्त मिल गया सामने से जा रहा दर्शन करके। कौन है ये लोग? गाइस हमने काल भैरव के दर्शन तो कर लिए, शिखर दर्शन अच्छे से कर लिए। हमारा आनंद भाई ने और हमारे एक दोस्त मिल गया था दीपक मालवी, पर हमने उसको पहचाना नहीं और हमारी दुकान पे तो नहीं गए, हम लेट हो गए थे। और फिर अब हम जा रहे हैं विक्रांत सर का मोबाइल में सर्च कर ये बाबा। माता के मंदिर जा रहे हैं जो कि विक्रांत सरकार के ऊपर सबर की साइड है। ये सामने मंदिर आ गया है माता रानी का, मेलरी माता का। यहाँ पे देखते अभी एक टाइम पहले थी जो कि मूर्ति गायब हो गई थी, पर अब आ गई है शायद। आनंद तू लाएगा नहीं बार बार खाना मेरे लिए, मेरा उपवास है क्योंकि। आयुष भाई इधर आओ,
कावन कहाँ पे आए थे हमारे यहाँ पे? हम विक्रांत मेरे हैं, भंडारा में आए थे जिसमें जन्मदिन है जिसकी। हाँ ना, जन्मदिन इसलिए आए थे हम। इसका एक्सीडेंट हो गया इस लड़के का, इसका चेहरा देखते हुए। हाय गाइस, आयुष भैया हमारा ये चकना।